महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत के बारे में कौन नहीं जानता होगा, फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो। सत्य और अहिंसा को लेके उनके विचारों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम अपनी वीडियो में उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से लेके आए हैं जो शायद कम ही लोग जानते हों। गांधी जी को ग्रेट स्कैवेंजर यानी कि एक महान महतर क्यों कहा गया? महतर उस शख्स को कहते हैं जो मैला यानी कि शौचालयों की गंदगी को साफ करता है। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये बात उस समय की है जब वे केवल 12 वर्ष की आयु के थे और राजकोट में अपने पिताजी के घर में रहते थे। वहाँ ऊका नाम का एक मैतर मैला ढोने आता था। एक बार गांधी जी ने उसे छू लिया तो उनकी माता पुतलीबाई ने उन्हें तुरंत स्नान करने को कहा। वैसे गांधी जी बहुत ही विनम्र और आज्ञाकारी पुत्र थे, परंतु अपनी माता की ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपनी माता जी से पूछा, ऊका तो गंदगी की सफाई करके हमारी सेवा करता है, तो उसका स्पर्श मुझे दूषित कैसे कर सकता है? मैं आपकी अवज्ञा नहीं करूँगा, परंतु रामायण में राम ने गुहाग एक चांडाल को गले लगाया था, और रामायण हमें गुमराह नहीं कर सकती। इस बात का उनकी माता जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैला ढोने का काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सीखा, जिस कारण से उनके दोस्त उन्हें प्यार से महान मैतर कहते थे। इसी प्रकार जब भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में प्लेग फैला और राजकोट में भी फैलने के आसार लगे, तो गांधी जी ने स्वयं सफाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया और घर घर जाकर सफाई का निरीक्षण किया और शौचालयों को साफ रखने पर जोर दिया। इसी तरह जब वे कांग्रेस अधिवेशन के लिए दक्षिण अफ्रीका से कलकत्ता आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ शौचालयों की स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शौचालय साफ करने के लिए कहा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उनका काम नहीं है। तब गांधी जी ने स्वयं शौचालयों की सफाई की, और जैसा कि आप जानते हैं, बाद में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया। यूँ तो पश्चिमी सभ्यता के रीति रिवाजों की उन्होंने हमेशा आलोचना की, किंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्वच्छता के बारे में उन्होंने वहीं से सीखा। वह भारत में उसी प्रकार से स्वच्छता की उम्मीद करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि स्वच्छता आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है।